आप देख रहे हैं ना उदय टाइम्स पंजाब के स्टेट टीवी। देश भर के अंदर कोरोना वायरस के चलते धार्मिक स्थल जो बंद थे आज उनको खोल दिया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के बंगला साहिब में। आप देख सकते हैं कि जो संगत है वो यहाँ पर आज क्योंकि पहला दिन है और संगत बहुत कम आ रही है, लेकिन उसकी तरफ से भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा यहाँ पर बहुत सारी एहतियातन के तौर पर बहुत सारी सुविधाएँ यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी ये मशीन लगाई गई है। यहाँ पर मशीन के द्वारा जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आता है वो यहाँ पर पहले इस पूरे अपने आप को पूरा पूरी बॉडी को सैनिटाइज करता है और उसके बाद गुरुद्वारा साहिब में एंट्री करता है। और आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सबको हिदायत दी जा रही है कि कहीं भी किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को मत छुएं। यहाँ पर रेलिंग भी लगाई गई है, उनको मना किया जा रहा है कि यहाँ पर नहीं छुएं। और आप देख सकते हैं कि एहतियातन के तौर पर हर चीज़ यहाँ पर की जा रही है। जो भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से उनका ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इस कोरोना वायरस की बीमारी के दौरान लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो प्रिकॉशन है वो ली जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज मशीन लगाई गई है, यहाँ पर सबके जो हाथ है वो सैनिटाइज किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आगे की तरफ जो है गुरुद्वारा साहिब में जब एंटर होते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनिंग मशीन लगाई गई है, यहाँ पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि स्क्रीनिंग होने के बाद ही लोगों को गुरुद्वारा साहिब में एंटर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर एक सैनिटाइज है हाथ को वो भी किया जा रहा है। हम जो गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या क्या सुविधा यहाँ पर की गई है। आप देख ही रहो कि गुरुद्वारा बंगला साहब में श्री हरकृष्ण साहब के दरबार से आपने शुरू से देखा होगा, शुरू से पहले बंदे को फुल सैनिटाइजर, फिर जैसे जैसे आगे संगत आएगी हाथ सैनिटाइजर होंगे, हमारी टेम्परेचर मशीन चेक करने वाली वो टेम्परेचर चेक करेंगे, तो आगे फिर मत्था टेकने जाएंगे। तो मत्था टेकने की व्यवस्था में हमने 4 पॉइंट बना रखे हैं, क्योंकि एक जगह पर संगत इकट्ठी आएगी तो भीड़ होगी। 4 जब राजपथ का चारों तरफ 2 फ्रंट 2 साइडों पर संगत मत्था टेक के जाएगी। आपने देखा होगा सरोवर भी बंद कर रखा है, निशान साहब को भी कोई हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हाथ लगाने की व्यवस्था सभी जगह बंद कर रखी है कि कोई किसी को हाथ से प्रॉब्लम ना शुरू हो सके। तो और दूसरी और प्रिकॉशन ली जा रही है गुरुद्वारा कमेटी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मत्था टेकने आते हैं। गुरुद्वारे में मत्था टेकने तो आएंगे, इसलिए हमने डिस्टेंस बना के रखा हुआ कि 4 जगह मत्था टिकाएंगे कि किसी को प्रॉब्लम कोई ना। तो बिल्कुल यहाँ पर डिस्टेंस बनाने की बात ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये गुरुद्वारा साहिब हॉल है, यहाँ पर लोग दर्शन मत्था टेकने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कथा भी चल रही है और कथा के साथ साथ लोग ना दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जो अमृत है वो भी छक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रथा है कि यहाँ पर लोग अपने दुख का निवारण करने आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें जो सरोवर है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया है, क्योंकि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते थे वो एक बार सरोवर की तरफ जाते थे, लेकिन सरोवर को पूरी तरीके से सील कर रखा है। आपने देख रहे हैं कि जो नीली जो पट्टी है वो यहाँ पर लगा रखी है। इंतजार था गुरुद्वारा खुलने का, क्योंकि बहुत था जी, बहुत था। हम तो बहुत शुक्राना करते हैं भगवान का कि हमें यहाँ आने का मौका मिला है। हम तो भगवान के आगे अरदास करते हैं कि हर किसी को मौका मिले और ये गुरुद्वारा हमेशा ऐसे ही खुल जाएगी, हर परिवार हर घर का एक एक बच्चा हर सिख यहाँ हर घर हर धर्म यहाँ पे आए और अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ हमें। मैडम अगर बात करें बड़े दिनों बाद गुरुद्वारे साहिब आपने मत्था टेका है, कितना इंतजार था आप लोगों को, क्योंकि कोरोना वायरस के इस काल में जो गुरुद्वारा धार्मिक स्थान थे वो बंद कर रखे थे। बहुत इंतज़ार था कि गुरुद्वारा साहब खुले, अपने गुरु को जाके मत्था टेके, ये बीमारी से हमें छुटकारा मिले, कि हमें भी गुरु के घर जाने का मौका मिला है। शुक्र करा भगवान वाहेगुरु। हाँ जी, क्या कहेंगे, कुछ नहीं। कितना इंतजार था आप लोग, बहुत अरदास भी करी थी मैंने अमृत वेले, हो भी गई पूरी, 2-3 दिन पहले ही करी और हो भी गई। तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सुकून, स्नान भी करना चाहती थी पर किस्मत में ही नहीं है, अमृत ले रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल के इस दौर में संगत जो है वो बहुत कम आ रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।